नोएडा से हमारे साथ एके मिश्रा जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। एके मिश्रा साहब जी, जरा राजनीतिक नजरिए से समझाइए, पर्दे के पीछे और आगे चल क्या रहा है। एक तरफ जहां पर खुलकर अखिलेश और मायावती साथ आने की बात कर रहे हैं, आरएलडी समझौता करने को तैयार नहीं, और मौसम विशेषज्ञ माना जाता है उनको, दूसरा पासवान के साथ साथ अजीत सिंह को भी, और तीसरी तरफ कांग्रेस कह रही है कि भैया चुनाव तो हम लड़ेंगे, हमें हल्के में ना लीजिए। देखिए क्या चल रहा है, संघे शक्ति कलौ युगे, जो ये मजबूरी बोला जा रहा है तो केवल सपा बसपा के लिए मजबूरी बोला जाए तो थोड़ा सा अन्याय होगा, क्योंकि सुहेल देव के साथ अपना दल जैसे छोटे दलों के साथ बीजेपी ने भी किया, महबूबा मुफ्ती के साथ, तो अलायंस तो सारी पार्टियां कर रही है, उसके पीछे रीजन है। ये ट्रांजिशन फेज है और मेरे ख्याल से एकाकी पार्टी के ऊपर डिपेंडेंट होके लोकसभा या राज्यसभा में तो कोई भी नहीं जीत सकता है, बीजेपी के भी बहुत सारे अलायंस है, तो इसको मैं मजबूरी नहीं, सारी पार्टियों के लिए मैं बोलूंगा ये एक स्ट्रेटजिक या कूटनीतिक चाल है, संघे शक्ति कलौ युगे, यानी कि यूनिटी में और एक दूसरे से, मतलब जैसे गठबंधन में बड़ी ताकत है, तो ये एक स्ट्रेटजिक चाल है, रणनीति है, मूवमेंट है और सारी पार्टियां कर रही है। अब देखिए मैं आपको बताता हूं, यूपी की राजनीति कुछ ऐसे कतिपय कारणों से ऐसा चेंज हो गया है। देखिए कांग्रेस आ जाए वो अपना बहुत इंपैक्ट नहीं डाल पाएगी, लेकिन सपा बसपा का जो गठबंधन हो रहा है, केवल इस गठबंधन की सूचना से ही बीजेपी के लिए बहुत मुश्किलें पैदा हो गई हैं और बीजेपी अपने आप में कमजोर हुई है, उसके पीछे कारण है। अभी इन्होंने 10% रिजर्वेशन दिया, उसका जो डीपर इंपैक्ट ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सारे सवर्ण खुश हो जाएंगे, उतना इंपैक्ट नहीं पड़ा। बीजेपी ने सारे मुद्दे जो है यूज कर लिए हैं, उनके अपने मुद्दों में अट्रैक्शन में एक डाइल्यूशन आया है पिछले 5 सालों में, बहुत सारी चीजें वो पूरा नहीं कर पाए, तो इसके कारण कुछ वोटर जो है कुछ ऐसी सिचुएशन बनी कि भेड़िया आया भाई ये केवल बोल रहे हैं। अब 2 महीने में बीजेपी अगर सारे मुद्दे उछाल दे, सारे काम कर दे, तब भी उसका इंपैक्ट ऐसा जाएगा कि ये चुनावी उसके कारण, मौसम के कारण इन्होंने काम किया है, उतना इंपैक्ट वोट में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। तो पहला जो जाएगा, पहला कंक्लूजन ये है कि 101% बीजेपी को बंपर डेंट लगेगा। अब इसमें 2 चीजें देखने वाली है, केवल गठबंधन की घोषणा कर देना एक अलग चीज है, उसके बाद आप आगे के काम को कैसे लेते हैं, मतलब अपना थीम आप क्या प्रोजेक्ट करते हैं, सपा बसपा का गठबंधन इनकी पोजीशनिंग और प्रोजेक्शन क्या होगा इलेक्शन के लिए, और बीजेपी कैसे इनको काउंटर करती है। सपा बसपा के लिए 2-3 चीजें हैं। देखिए अगर केवल जातिगत पे ये चले गए, जैसे सपा और बसपा पहले करते थे, माया फार्मूला या तिलक तराजू तलवार, ये सब जो ट्रेडिशनल जाति के ऊपर होते थे, तो इनको फायदा नहीं मिलेगा और ये मुंह के बल गिर जाएंगे। ठीक इसी तरीके से में फेविकोल की गारंटी भी तो कौन लेगा, ये भी तो बड़ी बात है। नहीं, केवल एक चीज का मेरे को इंतजार है, अगर मुझे इनकी पोजीशनिंग यानी इनका किस मुद्दे पे ये चुनाव लड़ेंगे, इनका एकीकृत पोजीशनिंग और प्रोजेक्शन मुझे पता चल जाए जो ये घोषणा कर देंगे, और अभी मुझे लगता है कि ये भी 100% केवल जातिगत पे नहीं करेंगे, ये एक यूनिफॉर्म या अम्ब्रेला टाइप की, जिसमें डिफरेंट मुद्दे रहेंगे, भ्रष्टाचार भी रहेगा, ग्रोथ भी रहेगा, उतना फोकस केवल और केवल जाति पे नहीं रहेगा। नहीं, और यानी आप ये कह रहे हैं कि मायावती दलित वोट बैंक से कॉम्प्रोमाइज कर सकती है, क्या ये वाकई में संभव है? नहीं नहीं नहीं, या फिर अखिलेश मुस्लिम और यादव कॉम्बिनेशन से कॉम्प्रोमाइज कर। मैं आपको बताता हूँ, मायावती का जो दलित वोट बैंक है ना, वो फेविकोल जैसा ही स्ट्रांग है, वो कहीं खिसकता नहीं है। मायावती 2014 में हुआ ना सर? नहीं, आप मेरी बात सुनिए, मैं आपको बता रहा हूँ, अभी ये जो हो रहा है, मायावती का जो वोट बैंक होता है, देखिए हारने के लिए 1-2% वोट बैंक खिसक जाने से भी हार जाते हैं, बम्पर जीत या हार होती है। अभी भी ये जो बन जाने से मायावती को अपने वोट बैंक से नहीं, मायावती ने सवर्णों की भी राजनीति की है और कई बार ये मुख्यमंत्री बने हैं, तो सवर्ण वोट बैंक का जो इनके तरफ झुकाव हो गया, सवर्ण वोट बैंक इनकी तरफ झुक गया, उसके कारण तो मायावती और सपा और सपा बसपा का ये सवर्णों को भी अट्रैक्ट करेंगे और इसी कारण बीजेपी को नुकसान भी पहुंचेगा। बीजेपी ने तैयारी कर ली है, राजा भैया की पार्टी मैदान में। एक सेकंड, आपके पास आ रहा हूँ, जल्दी से प्लीज समय। देखिए मैं आपको बताता हूँ, भारतीय इतिहास में केवल 3 टाइम ऐसा हुआ है जब ट्रेडिशनल फार्मूला फेल हो गया, जब बीपी सिंह थे तो चक्र का जो निशान मिला था, उसके पहले आप ये देखिए जो इंदिरा गांधी को हटाने के लिए जननायक जी ने जो शुरू किया था, और ऐसे ही 2014 में हुआ कि ये ऐसे एक्सेप्शनल जो है माहौल बना कि वहां पे जितने ट्रेडिशनल फंडामेंटल आपके प्रिंसिपल्स होते हैं, जाति धर्म वगैरह, वो सब पीछे हट गए और एक चीज को कि भ्रष्टाचार के खिलाफ या सत्ता परिवर्तन को लोगों ने मन बना लिया,
तो ऐसे एक्सेप्शन बार बार नहीं होते हैं। बीजेपी इसको 2014 में यूज कर चुकी है, दोबारा यूज करना बहुत मुश्किल होगा। वोट परसेंट की अभी आपने बात बताई, देखिए सपा बसपा सब ने अलग लड़ा था, लेकिन एक साथ होने पे मैंने बोला कि बीएसपी का जो होता है वोट फिक्स वोट परसेंट है, वो जल्दी खिसकता नहीं है, 19-20% के आसपास है, जो है वो रहेगा। बस मैं खाली सपा जबकि कांग्रेस अलग थी और ये दो सीटें गोरखपुर और कैराना, कैराना में हुकुम से बिहार इलेक्शन भी हार गए थे सर ये गठबंधन के कारण। मैं सुनिए, ये गठबंधन